नूरपुर विधानसभा के गांव गनों में स्वदेशी कामधेनु गौशाला भारतीय देसी नस्ल की साहिबाल गांव पर लगभग 2.5 वर्ष से कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य इस नस्ल का संरक्षण संवर्धन और नस्ल सुधार का कार्य करना है। कामधेनु गौशाला के ऋषि डोगरा ने खास बातचीत के दौरान कहा कि 2.5 वर्ष से हमने इस गाय की बीट को आगे ले जाने की कोशिश की है और बहुत सारे लोकल उत्पादों का निर्माण भी किया है। नूरपुर विधानसभा के गांव गन्नों में स्वदेशी कामधेनु गौशाला भारतीय देसी नस्ल की साहिबाल गांव पर लगभग 2.5 वर्ष से कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य इस नस्ल का संरक्षण संवर्धन और नस्ल सुधार का कार्य करना है। कामधेनु गौशाला के ऋषि डोगरा ने खास बातचीत के दौरान कहा कि 2.5 वर्ष से हमने इस गाय की बीट को आगे ले जाने की कोशिश की है और बहुत सारे लोकल उत्पादों का निर्माण भी किया है जिनका अच्छा मार्केट दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में इन गौ उत्पादों में हम चाहते हैं कि ऐसी गौशालाएं जो स्वावलंबी बने, क्योंकि सिर्फ दूध पर कार्य करके सिर्फ हम इन गौशालाओं को नहीं चला सकते हैं। इन गौशालाओं को अगर स्वावलंबी बनाना है तो हमें पंचगव्य और गौ उत्पादों पर कार्य करना पड़ेगा। हम यही आसपास के क्षेत्र की और हिमाचल के किसानों को भी समझाना चाहते हैं कि इस गाय का नाम कामधेनु इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गाय अपने आप में सारी चीजों की निर्माता है। ऋषि डोगरा ने बताया कि इन 2.5 वर्षों में कुछ समस्याएं हैं जो हमने रखी भी हैं और उनका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। पिछले 1.5 वर्ष से हमें पानी की बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए पूर्व सांसद कांगड़ा चंबा शांता कुमार ने 2.5 लाख का फंड सिंचन किया था। इस गौशाला के लिए वो फंड संबंधित विभाग में आ भी गया है और क्लियरनेस भी हो गई है। जब विभाग से बात की गई तो संबंधित अधिकारी तो बार बार अधिकारी टाल मटोल ही करते रहे, कभी कुछ बोल रहे हैं तो कभी कुछ। देखा जाए तो न प्रदेश सरकार ने और न ही विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये प्रदेश स्तर का प्रोजेक्ट है जिसको हम ले जाना चाहते हैं, पर एक छोटी सी पानी की समस्या को सरकार व संबंधित विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। ऋषि डोगरा ने कहा कि या तो कोई राजनीतिक प्रेशर है या विभाग की अपनी ही कोई मजबूरी है जो ये एक छोटा सा कार्य गौ माता के लिए नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस काम में मदद नहीं मिलेगी तो लगता नहीं कि कोई भी किसान इस काम को करने में आगे आएगा। सरकार से आग्रह किया जाता है कि ऐसे कार्यों के लिए जो संभव हो सके वो प्रयास करें। नमस्कार, मैं ऋषि डोगरा स्वदेशी कामधेनु गौशाला में आपका स्वागत करता हूँ। स्वदेशी कामधेनु गौशाला जो कि भारतीय देसी नस्ल की साहिवाल गायों पर लगभग 2.5 वर्ष से कार्य कर रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य इस नस्ल का संरक्षण संवर्धन और नस्ल सुधार का कार्य करना है। तो इन 2.5 सालों में हमने इस गाय की ब्रीड को आगे ले जाने की कोशिश की है और बहुत सारे गौ उत्पादों का निर्माण भी किया है जिनका कि आज एक अच्छा मार्केट हमें दिखाई देता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी। तो इन गौ उत्पादों से हम चाहते हैं कि ऐसी गौशालाएँ जो हैं वो स्वावलंबी बने, क्योंकि सिर्फ दूध पे कार्य करके हम इन गौशालाओं को नहीं चला सकते हैं। इन गौशालाओं को अगर स्वावलंबी बनाना है तो हमें पंचगव्य और गौ उत्पादों पर कार्य करना पड़ेगा और हम यही आसपास के क्षेत्र के और पूरे हिमाचल के किसानों को भी समझाना चाहते हैं। इस गाय का पालन कामधेनु इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये गाय अपने आप में सारी चीज़ों की निर्माता है। तो इस दौरान हमारे इस प्रोजेक्ट के दौरान पिछले 2.5 साल में कुछ समस्याएँ हैं जो हमने रखी भी हैं और उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो पिछले 1 साल से 1.5 साल से हमें पानी की बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारे भूतपूर्व मंत्री कांगड़ा चंबा के श्री शांता जी ने 2.5 लाख का फंड भी सैंक्शन किया था इस गौशाला के लिए और वो फंड यहाँ पे संबंधित विभाग में आ भी गया है और क्लियरेंस भी हो गई है। लेकिन जब हमने बात करी है संबंधित अधिकारियों से तो हमें बार बार यही जवाब मिलता है कि कर देंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। तो एक आधी बार उन्होंने चक्कर भी लगाया लेकिन कहते हैं कि यहाँ से रास्ता नहीं है, तो हमने उनको अल्टरनेटिव भी देने की कोशिश करी पर कोई कार्रवाई नहीं है। मोटी मोटी देखी जाए तो ना तो विभाग ने ना तो सरकार ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया है और ना ही वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को, मुझे तो लगता है कि प्रोजेक्ट्स को वो बिल्कुल मतलब अपनी तरफ से निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक प्रदेश के स्तर का प्रोजेक्ट है जिसको हम ले जाना चाहते हैं और एक छोटी सी पानी की समस्या हमारी सरकार दूर नहीं कर पा रही है, संबंधित अधिकारी उस पर कोई एक्शन नहीं ले जा पा रहे हैं। तो हमें लगता है या तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर है
या फिर इनकी अपनी कोई मजबूरी है कि ये छोटा सा कार्य एक गौ माता के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी जो सरकार ने एक विजन बनाया हुआ है केंद्र सरकार ने, अगर इस तरीके के किसानों को, इस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स को इस छोटी छोटी मदद नहीं मिलेगी, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी किसान और कोई भी व्यक्ति बड़े स्तर पर इन काम को करने के लिए आगे आएगा। तो हमारी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इन ऐसे कार्यों के लिए आप जो संभव हो सके वो प्रयास करें, सहायता दें, ताकि इसको एक स्टेट लेवल तक लेके जाया जा सके। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को और बेहतर लेवल पे लाने की, कुछ वेटनरी डिपार्टमेंट से भी हमारी दरख्वास्त रहेगी कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जितनी भी गायें हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर्स को एलोकेट करें, उनकी डीवॉर्मिंग की बेसिक चीज़ों को तो अवेलेबल कराएँ। डीवॉर्मिंग की टैबलेट्स तक नहीं मिलती हैं, तो 500-500 हज़ार रुपये की टैबलेट्स हम खुद खरीद के लाते हैं। तो बाकी तो डिपार्टमेंट को ऐसे जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए उनको स्पेशल मेडिसिन या डॉक्टर्स को एलोकेट करना चाहिए।